फ्रेंड दिस इज़ अविनाश, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ ही दिनों पहले भारत के लिए तब बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट रहा जब भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। एक टाइम था जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने न्यूज़पेपर में एक कार्टून छापा था जिसमें उन्होंने भारत के स्पेस एजेंसी का मजाक उड़ाया था। बाद में इस कार्टून की भारत और बाकी देशों के द्वारा काफ़ी आलोचना भी की गई। अब वही न्यूयॉर्क टाइम्स भारत को चंद्रयान मिशन के लिए बधाई दे रहा है और मिशन की खबर अपने अखबार में भी छापता है। इस मिशन की खबर को दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसी ने कवर किया व अब भारत को बधाई भी दी। इस मिशन को 14 जुलाई की तारीख को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा। यह चंद्रमा का अनदेखा हिस्सा है। अनदेखे हिस्से का मतलब जहां पर अभी तक किसी भी देश ने अपने मिशन को साउथ पोल पर नहीं उतारा है। यदि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर अपने मिशन को अंजाम दिया है। साथ ही भारत चौथा भी ऐसा देश बन जाएगा USA, रशिया और चाइना के बाद जिसने अपने मिशन को सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया है। चांद का साउथ पोल अभी तक अननोन है। यह एरिया नॉर्थ पोल की तुलना में काफ़ी बड़ा है जहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर और पानी होने की संभावना दिखाई देती है। चंद्रयान 1 मिशन 2008 में साउथ पोल पर पानी की खोज करने वाला पहला मिशन था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और इम्पैक्टर को शामिल किया गया था। इस मिशन ने 70,000 से भी अधिक फोटो खींचकर पृथ्वी तक पहुंचाई है। चंद्रयान 3 एक फेलियर बेस्ड डिज़ाइन है जिसमें चंद्रयान 2 की सभी गलतियों को सुधारा गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उस जगह की बहुत सारी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर खींच कर हमें प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पर हम उतरना चाहते हैं। इसके डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया है ताकि हम यह जान सकें कि वहाँ पर कितने बोल्डर और क्रेटर हैं। इस जांच के बाद लैंडिंग के क्षेत्र को और भी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। चंद्रयान मिशन के बारे में 2000 के डिकेड के शुरुआत में ही सोचना शुरू कर दिया गया था क्योंकि उस समय इंडिया में IT बूम डेवलप होने लगा था ताकि अच्छे स्किल्ड इंजीनियर इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इस मिशन को LV-M3/M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह 4th जनरेशन का रॉकेट है जो कि GSLV रॉकेट का ही अपडेटेड वर्जन है। यह 8000 किलोग्राम के पेलोड को स्पेस पर लेकर जा सकता है। इस रॉकेट की ऊंचाई 43.5 मीटर है व इसका डायामीटर 4 मीटर का है। चंद्रयान 3 के टोटल पेलोड का वजन 3900 किलोग्राम है। इसे 35,000 से भी अधिक ऊंचाई तक जाने के लिए बनाया गया है। यह 3 स्टेज का रॉकेट है जिसमें 2 बूस्टर भी लगे हुए हैं। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के डिज़ाइन की। चंद्रयान 3 मिशन में मेनली 3 कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है विक्रम लैंडर, तीसरा है प्रज्ञान रोवर। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक लेकर जाएगा जिसमें एक तरफ बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है और इसकी अपर साइड में एक सिलेंडर को लगाया गया है जो कि लैंडर के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोपेलोरीमीटर नाम का पेलोड भी इसमें लगा है जो कि लूनर ऑर्बिट से अर्थ के स्पेक्ट्रल और पोलर मेजरमेंट का स्टडी करेगा। इसमें दूसरा कंपोनेंट है विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर एक बॉक्स के आकार का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लैंडिंग लेग और प्रत्येक 800 न्यूटन के 4 लैंडिंग थ्रस्टर है। यह साइट पर विजिट करने के लिए रोवर और अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर जाएगा। लैंडर में 3 पैलेट को लगाया गया है। पहला है चेस्ट जो कि चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को नोट करेगा। दूसरा है ILSA जो लैंडिंग स्पॉट के आसपास भूकंप जैसी गतिविधियों को नोट करेगा, इनकी जांच करेगा। और तीसरा है LP जो कि चांद के वातावरण में मौजूद गैसों की प्लाज्मा डेंसिटी और इसकी डाइवर्सिटी को जांचेगा। अलावा इसमें और भी डिवाइस लगाई गई है जैसे लेज़र बेस्ड अल्टीमीटर, लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर, लेज़र हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, लेज़र गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंस एंड एक्सेलेरोमीटर पैकेज। चंद्रयान 3 का तीसरा कंपोनेंट है प्रज्ञान रोवर। यह एक ट्रॉली जैसी संरचना दिखने वाला 6 पहियों वाला डिज़ाइन है जिसका वजन 26 किलोग्राम है। यह 500 मीटर की रेंज तक जांच कर सकता है। इसमें कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और ड्रिल सहित साइंटिफिक डिवाइस लगी हुई है।
रोवर के दो पेलोड है। पहला है लैब्स, जो कि हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए केमिकल कंपोजिशन और वहां पर पाए जाने वाले खनिज का पता लगाएगा। दूसरा पेलोड है APXS, जो कि लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना, जैसे उनमें पाए जाने वाले तत्व मैग्नीशियम, लिथियम, कैल्शियम, कार्बन, टाइटेनियम, आयरन आदि की जांच करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के मेनली तीन उद्देश्य है। पहला है चांद के सरफेस पर सिक्योर और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा है रोवर को चांद के सरफेस पर घूमते हुए दिखाना। तीसरा है चांद की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और अभ्यास करने के लिए चंद्रमा की सरफेस पर मौजूद केमिकल और नेचुरल सोर्सेस, मिट्टी, पानी आदि पर रिसर्च करना। इस मिशन का टोटल बजट 615 करोड़ रुपए है, जो कि कई हॉलीवुड मूवी से भी कम है। उम्मीद है कि यह मिशन 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस मिशन के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि जियोपॉलिटिकल लिहाज से यह भारत को लोकप्रिय बना देगा, जिसमें भारत के द्वारा स्पेस सेक्टर में किए जा रहे रैपिडली डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च इन्वेस्टर को भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे और उन्हें प्रभावित करेंगे। इसके अलावा कई देशों के वर्ल्ड लीडर को भी भारत के साथ व्यापार करने में यह आकर्षित करेगा। इसका दूसरा फायदा यह है कि चांद पृथ्वी के सबसे पास का यूनिवर्सल बॉडी है, जहां पर स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट और डॉक्यूमेंटेशन किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में डीप स्पेस मिशन के लिए बेसिक नॉलेज के रूप में यह हमारी मदद करेगा। इसके अलावा और भी इंटरप्लैनेटरी मिशन में भी यह हमारी काफ़ी हद तक सहायता करेगा। साथ ही आगे चलकर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को इंस्पायर करने में, वर्ल्ड रिलेशन को बढ़ावा देने में और आने वाले नए साइंटिस्टों की जनरेशन को इंस्पायर करने में मदद करेगा। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम 6 डिकेड से भी अधिक पुराना है। 1963 में इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इसके बाद 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रसिया की स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च किया था। इसके बाद कई छोटे छोटे मिशन होते गए। पहला सबसे बड़ा मिशन सन 2008 में किया गया, जिसमें चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद मंगलयान, उसके बाद चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इंडिया 2030 तक खुद का स्पेस स्टेशन भी स्थापित करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा इसरो गगनयान मिशन 2025-26 तक और शुक्र ग्रह पर एक ऑर्बिटर मिशन भी प्रस्तावित करने की प्लानिंग बना रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इंडिया के स्पेस सेक्टर में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इंडिया धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत ही जल्दी बाकी देशों की तरह अंतरिक्ष की बुलंदियों को छूते जा रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से ही हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।